हेलो हेलो हम विष्णु माई के यहाँ से 3 घंटा आती 3 घंटा जाती। एगो बात भुला गई, देखी जूता 150 रुपया के लेके बर्फ पर चढ़ा तनी जा। देखिए यही एरिया है, अब हम पहुंच चुके हैं पटनी टॉप, और पटनी टॉप ही हमें आना था, और यहां से भी कुछ दूर जाएंगे, उससे पहले ये प्रेम बार पड़ता है, इसमें बियर से लेकर मतलब जो भी। वहां से आगे आने के बाद थोड़ा बीच में ही काल भैरव का टेंपल पड़ता है, जो कि आप बाइक में देख रहे हैं, तो यही काल भैरव नाथ का हम लोग दर्शन कर रहे हैं, और उसके बाद यात्रा आगे की तरफ चलेंगे। और ये रही जिस वैन में हम लोग आए हैं, यही रही ट्रेवलर वैन है ये, और बोल रहे हैं भैया और भाभी अभी सब अभी दर्शन के लिए गई हैं, और यही है टेंपल, काफ़ी अच्छा है। अब चलेंगे, आगे का भी नज़ारा आपको वीडियो में मिलेगा, सो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, चलते हैं आगे। अभी भाई कुछ दूरी और चलने के बाद मतलब पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, पटनी टॉप पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे एक बार भी है जो कि यहाँ पे काफ़ी महंगा मिलता है, जो भी प्राइस अगर ज़्यादा है आपके पास तो यहाँ पे आप घूम सकते हैं अच्छे से। देखिए यही एरिया है, अब हम पहुंच चुके हैं पटनी टॉप, और पटनी टॉप ही हमें आना था, और यहाँ से भी कुछ दूर जाएंगे, उससे पहले ये प्रेम बार पड़ता है, इसमें बियर से लेकर मतलब जो भी पीने उने के सामान आप समझ ही सकते हैं वो सब मिल सकता है यहाँ पे, और चाय पानी के लिए रुकी है कुछ देर के लिए, तो यहाँ से भी अभी कुछ दूर हमें आगे जाना पड़ेगा, तब तक के लिए रुकिए। सभी लोग उतरे हैं कि नहीं देख ले थोड़ा। हाँ वो रहे भैया देखिए, और वो दीदी, और वो जीजू, मतलब सभी लोग उतर चुके हैं, ठीक है चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। तो देखिए यही रेस्टोरेंट पे मतलब बार पे सभी लोग रुके, और अभी अभी सभी लोग उतरे और रास्ते में पड़ा, और पहुंच चुके ही हैं हम अब, तो जा रहे हैं चाय पानी नाश्ता जो भी है, देख सकते हैं यहाँ पे यही बार पड़ता है, और यहाँ पे चाय पानी करके फिर से यहाँ से निकलेंगे आगे की तरफ। प्रेम बार से आगे आने के बाद यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, आपकी मर्जी है, या तो शूज लीजिए या तो कोट लीजिए या दोनों साथ में लीजिए, दोनों साथ में लेंगे तो ये 500 रुपये तक कहेंगे, लेकिन 250 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, और यहाँ पे पर्ची कटाना पड़ेगा, और यहाँ पे मिलेगा। चलिए आगे दिखाते हैं अभी कहाँ पे शूज वूज मिलता है। यहाँ पे उतरने के बाद ही यार काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ने लगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा है, तो सभी लोग उतर के वेट कर रहे हैं किसी और का, मतलब शूज का। और देखिए इधर वैन लगी हुई है, और ऐसा है यहाँ का दृश्य कुछ आप देख सकते हैं, काफ़ी देखिए यहाँ पे वैन लगी हुई है जो कि ट्रेवलर वैन है, और ये सभी लोग वहीं पर जा रहे हैं जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, तो 2-3 किलोमीटर अभी यहाँ से कुछ दूर, 2-3 किलो नहीं यार मतलब 5 किलोमीटर दूर तक यहाँ से भी जाना पड़ेगा। तो देखिए बात हो रही है कि कौन शूज लेगा कौन कोट लेगा इसके बारे में, तो यहाँ से चलेंगे अभी, कोट उट लेंगे शूज लेंगे, मतलब जिसके जो साइज़ का जूता आता है वो ले लेंगे। तो उधर देखिए उस साइड में सभी लोग लेकर आ रहे हैं, देखिए जैसे वो लोग कोट पहरे हुए हैं बहन आ रही उधर, तो देखिए यहाँ पे ऐसे जूता वूता लिया जा रहा है, देखिए तो इस साइड है दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पे शूज बहुत सारा शूज, तो यार ये लोग एक दिन में बहुत सारा इनकम कर रहे होंगे इस, मतलब देखिए यहाँ पे साल स्वेटर की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, चाहे आप कितने भी गर्मी में आते हैं, तो देखिए शूज, और चलते हैं आगे अभी यहाँ से। अगर आप मेन लोकेशन पे उतरेंगे तो देखिए ये जो बंदा दिख रहा है, मैं एरो का निशान दिखा रहा हूँ, ऐसे बंदे आपको बहुत सारे मिलेंगे जो कि आपको अपने बहकावे में लेंगे कि मतलब चलिए मैं घुमाता हूँ फिराता हूँ, मतलब आप गिर जाएंगे कहीं पे ये कर लेंगे, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ज़्यादा बर्फ़ भी नहीं पड़ी है, देखिए नीचे की तरफ दिखा रहा हूँ, तो इन लोग के बहकावे में ना आए।
कहाँ पे उतरे हैं बताओ थोड़ा। पटनी टॉप के आगे, मतलब थोड़ा और आगे आ चुके हैं। और अभी इतने देर से आप देख रहे थे लोकेशन कहाँ से कैसे आ रहे थे, और काफ़ी अच्छा नेचर था। आधे टाइम का वीडियो आप देखे होंगे तो बहुत मज़ा आया होगा आपको। और अभी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आगे का वीडियो आगे का पार्ट में आपको मिलेगा, क्योंकि अभी सभी लोग उतर चुके हैं। और देखिए साइड में बर्फ़, ऐसे ही बर्फ़ पड़ा है, ये दो दिन पहले का बर्फ़ है, चूँकि आज जो बर्फ़ पड़ा है वहाँ पे चढ़ेंगे, उसके बाद वो भी देख पाएंगे आप। अभी देखिए उन लोगों को, उन लोगों का थोड़ा सीन लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो लोग पीछे छूट जा रहे हैं बार बार। देखिए यहाँ पे काफ़ी ऐसा मस्त एरिया है और लोग इंजॉय कर रहे हैं। देखिए नीचे थोड़ा साइड में देखिए बर्फीली एरिया है और काफ़ी लोग मज़े कर रहे हैं इसमें, और हम ही मज़े करेंगे। थोड़े बहुत लाइट यार थोड़ा कट जा रहा है भाई, काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है, बट अच्छा है, मौसम भी काफ़ी हरा भरा हुआ है देख सकते हैं। और बैक में सभी लोग इधर उधर खड़े हैं, थोड़ा मज़ा आ रहा है बहुत। ये दूसरी बार, भैया का तो दूसरी बार हो गया, अपना फर्स्ट टाइम है। सो आप यूँ ही इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, ज़्यादा दूर नहीं, और अगली वीडियो में आप देख पाएंगे पूरा, हम मतलब जितना भी घूमेंगे सब आप देख पाएंगे वीडियो में। और इस वीडियो को फ़िलहाल में यहीं तक ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए आप लोग जल्दी से, और थोड़ा एक बार नज़ारा ऊपर का दिखा दे उसके बाद कुछ करते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग अपना पार्किंग में लगा करके घूमते हैं, देखिए एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ भी सूज वूज का व्यवस्था है, जो हम लोग पहरे हैं देख लिए, भैया और वो गुड्डू पहर के चल रहे हैं, वो लोग काफ़ी लोग यहाँ पे भी ले सकते हैं। जो ले लिए हैं पहले से उनका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नहीं लिए हैं यहाँ पे ले सकते हैं, वही प्राइस वही रेट में मिल जाएगा। और देख सकते हैं ऊपर कुछ इस प्रकार का लोकेशन है, देखिए कितना मस्त है। और इधर भी साल सूटर सब, देखिए कितना अच्छा लोकेशन है, यहाँ पे साल सूटर भी मिल रहा है, जिसको ठंड लगे वो ले सकते हैं। कभी आप आइए तो इन सब जगहों पे आइए, और काफ़ी अच्छा लगता है आकर के। चलिए